रोग ग्रस्त नहीं होना चाहिए, तो आलू बिकेगा कौन सा? हाँ दादा, ये है भैया, हम ये सैंपल लाए थे जी, कल मंगवाना था आलू, तुमने ला, हो सकता है ग्रेडिंग करवा पाए जी। ये भी आलू फेल है, थोड़ा क्लोज इसको दिखाइए। अच्छा, ये क्यों फेल है? ये चपटा है, गोल चाहिए। चपटा? हाँ। अच्छा, बिल्कुल गोल चाहिए। हाँ, गोल चाहिए। अच्छा, ये चपटे की वजह से फेल है, ठीक है। ये आलू, ये वाला फेल है, इसकी सेप बढ़िया नहीं। ये सेप बढ़िया नहीं, ये मोटा भी होगा, चाहे बड़ा है ना, बड़ा भी, बड़ा और छोटा की तो बात ही नहीं है, ये तो फेल। अच्छा, ये फेल कर दिया सीधा सीधा ना जी। फिर एक ये आलू है, ये पास है, लेकिन इसमें ये इतना दाग है, इसलिए ये फेल। अच्छा, एक चेचक का दाग है, मतलब नन्ना सा, ठीक। ये वाला मोटा है। अच्छा, ये मोटा है, ये मोटा है, थोड़ा धूल लगा हुआ है। तो फिर मतलब यहाँ पे जो भी आलू ले रहे हैं, तो उनको आप ढेर पे लेके जाते? मैंने यहाँ पे जो भी थे अपने अटेंडेंट, उनको बोला कि भैया थोड़ा सैंपल एक पॉलीथिन में डालो। हाँ, जिससे ये तो पता चले कि कौन सा वाला आलू, एक ट्राली बनवाए। हाँ, कि ये वाला आलू बिक जाएगा, 10 ट्रालियों में से एक ट्राली बनवाए और कहीं बिक जाए तो बड़ी अच्छी बात। अच्छा अच्छा, फिर क्या सोचा आपने, क्या करेंगे आपने, फिर क्या सोचा है, यानी कौन क्वालिफाई, इसको पास कौन करेगा, क्या सोचा फिर आपने, क्या हो पाएगा? ये ऐसे ही टंगा रहेगा, बस यही सोच रहे हो? हाँ। मतलब यही उम्मीद है सरकार से? गारंटी देता हूँ, सरकार से यही उम्मीद है ना, ये अगर फैक्ट्री से पैदा होकर आएगा आलू तभी ले सकते हैं। फैक्ट्री से हो जाएगा? हाँ, हमें नहीं लग रहा फैक्ट्री देगी, इनके मन का सरकार खरीद रही तो मशीनें भी देगी किसान। अच्छा अच्छा, आलू बन के आएंगे। आलू मार्केट में ऐसे ही मिलते हैं, उसमें अच्छा खराब देखो खाली। ये मैं अपनी समझ से उस आलू को लाया हूँ जो यहाँ पे आज 561 रुपए क्विंटल बिका जी। अगर और ये चारों फेल, ये साइज के अगर आलू होंगे, ये साइज की आलू अगर होगा तो 600-650 रुपए निकल जाएगा। ये मंडी में, ये कलर का अगर आलू होगा मंडी में, इसी साइज के अगर जी जी, ये वाले देखो, अब इतना दाग में, उसमें ये होगा और ये भी होगा और ये भी होगा, ये तो भी 650 रुपए निकल जाएगा। ढेरी का है जी, ये की ढेरी का है। हाँ भाई, जरा ये सब होगा तो 650 रुपए के आसपास निकल जाएगा, और यहाँ पे ये 650 रुपए में ये सारे आलू फेल आएंगे। तो ये मानो कि यहाँ कम्प्लीट नहीं होगा, कि जमीन की पैदावार है न, किसी की गलती है जी। अच्छा, ये लोग अधिकारी हैं, उनको तो जो बता दिया, तो ये मिलीमीटर बर्नियर कैलिपर्स और बोल लेके आए, वही मुझे लग रहा कि बर्नियर कैलिपर्स रख देना चाहिए, उससे एक ट्राली आए उससे नाप नाप के निकालते जाओ। ये बताओ हमको, गोल आलू चाहिए इनको तो 45, पहली बात फरुखाबाद की मंडी में गोल आलू है ही नहीं। सुन, 45 mm बहुत है जी, इधर से 45, इधर से 45, फिर 85 mm क्या? अभी ये तो भाई, ये लोग मानक तय करने वाले। बताओ भैया कौन है यहाँ पे, उनको वो सामने आ जाओ आप, थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ, आप भी आ जाओ। अब इसमें कहाँ पे है बताओ दादा? हाँ, एक मिनट सर, क्या नाम है अपना? मेरा नाम राकेश है, मैं हाफड़ लखनऊ से हूँ। अच्छा, अब तो मतलब अभी यहाँ क्रय केंद्र पे आप ही निपट हुए यहाँ पर? हाँ, मैं लखनऊ से हूँ, जो क्रय केंद्र संचालन किया जा रहा है, ये हमारे पूजन साहब के नियंत्रण में है जी। पूजन साहब जैसा निर्णय देंगे, जैसा निर्णय देंगे उसका पालन किया जाएगा। तो अभी मतलब कोई खरीद बिक्री यहाँ पे हुई है अभी तक? अब तक तो एमडी कोई थोड़ा सा आगे आ जाओ, वो धूल धूल आ रही है, मतलब अभी तक कोई आलू खरीदा नहीं गया? अभी तक तो तीन 10 तारीख से लगा था, एमडी कोई रिकॉर्ड लगा हुआ था जी, और उसके बाद में हमारे पीजे साहब को निर्देश दिए हैं, तो आज ये मंडी में आ गए, ये चीज लाया गया है। अच्छा अच्छा, और जो मानक साहब गवर्नमेंट का निर्देश है कि मानक इतर नहीं लिया जाना चाहिए, यदि मानक इतर लिया जाता है तो जो संबंधित होगा वो जिम्मेदार। तो जैसे ये भाई साहब, ये व्यापारी हैं और किसान भी हैं, ये आड़ती भी हैं, ये तो ये कुछ आलू लाए तो ये बता रहे ये सारे सिंपल पास हैं। साफ साफ देखिए, इसमें आपको बैनर पर स्पष्ट लिखा गया है कि साफ सुथरा सुडौल रूप में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा या नहीं। तो आपने कोई सिंपल रखा है जिससे ये पता चले कि ये वाला आलू पास होगा? जो आप मानक लिखा गया है, मानक से स्पष्ट नहीं, मानक ये तो अपना मानक सोच के लाए, अब उसमें गोल तो कहीं लिखा नहीं है, जैसे ये बता रहे कि ये गोल नहीं है। आपको जो 45 से 85 का ब्याज, 45 से 85 mm, तो इसमें मतलब कौन, ये आप बताइए कितने mm का है ये? तो नाप नहीं सर, ये आलू कितने mm का है? जैसे आपका ये टाइम है, लेकिन ये भी आपका डिफेक्ट नहीं, ये कितने mm का है मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो देखना पड़ेगा नाप आपको। अब फिर वही तो बात है, आप कम से कम यहाँ सैंपल लीजिए थोड़ा सा, जैसे ये कितने mm का आलू है, ये तो बताना, आप देखना पड़ेगा ना। चलिए चलिए, आप यहाँ पे सैंपल वगैरह रख लो सैंपल, और कुछ मापने का यंत्र रखो जिससे कि आसानी हो सके किसानों को। पाँच दिन हो गए, पाँच दिन हो गए, बोनी तक नहीं हुआ है ना, मतलब कोई भी किसान नहीं आया है, आए भी कैसे? उसको कुछ देखो, किसान थोड़ा वैसे होते ना, वो जानते नहीं है कि क्या होता है ये एमएम, क्या होता है उनको नहीं पता होता है। अगर कोई चर्चा चल रही, पीछे हो जाए।
रिजेक्ट। हाँ रिजेक्ट वाला, ये वाला रिजेक्ट रहेगा, ये वाला पास नहीं होगा। देखो ऐसा वाला आलू रिजेक्ट है, वीडियो साहब के सम्मुख रखूंगा किस चीज को रखो। आप इस चीज को बोलो कि किसानों को थोड़ा आसानी हो और किसान जो है अपना जो आलू है वो आपको दे सके। तो लोगों को समझ में तो आएगा मतलब कौन सा आलू हम भेज रहे, मतलब आप एक तो यहाँ पे कौन पास करेगा। देखो ये रखा है यहाँ पे इन बोरों में, मतलब खरीदारी होगी, और ये रखा है कांटा। और अब ये जो है क्रय केंद्र, पहले एमडी कोल्ड स्टोर में था, और अब जो है मंडी में, मंडी का दो गेट होता है, एक फर्स्ट गेट है, उधर से आप सेकंड गेट की तरफ जब आएंगे ना तो एक कार्यालय बना है, वहीं पे आलू का क्रय केंद्र रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो भी समस्याएं थी वो सभी को बताई जा रही हैं, और हमें नहीं लगता है कि आलू किसान जो है अपना आलू सरकार तक दे पाएंगे, मतलब कि हमें नहीं लग रहा है सरकार का जो गिफ्ट है वो किसानों को मिल पाएगा। मतलब इतने ज़्यादा नियम रूल्स रखे गए हैं जो कि समझ में नहीं। आप लोग इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो भाई, देखो यार ये इसके नियम रूल्स हैं। हम तो ये सोच रहे हैं अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो काहे सरकार का पैसा खर्च कर रहे हो, ये भी जनता का पैसा भाई। इस क्रय केंद्र पे 1,500 रुपए तो रोज का खर्चा भी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कर्मचारी है किससे झंझट करेंगे हमें बता। सही है, भूखे बैठे भैया, आपने खाना ना मिला था, तो लाइन लग गई होगी ना यहाँ पे, खाना ना मिला था आपको। नहीं अभी सुबह से मैं बैठा, वैसे चाय। अब बताओ भैया सुबह से बैठे भी है, इनको खाना भी पानी भी नहीं मिला है। मुर्दा के रूप में किसान मंडी में आ रहा है, वो खींचेगा उल्टी सीधी भाषा भी बोलेगा। सही है वो तो। अच्छा अच्छा आपके पास कई किसान आए होंगे, किस भाषा में आपसे बात कर रहे हैं सही बताना आप। सिंपल तो रखिए कि बात को क्रोध में बात कर रहे हैं ना, मतलब मैंने देखा है लोग थोड़ा पैसे बात करते हैं कि यार फिर वो साचा बनवाऊंगा मैं, ये करूंगा वो करूंगा ना, प्यार से ये बात की हमने, आप क्या झेलेंगे हमें बताओ। हाँ हाँ एक तो ऐसे ही मरा पड़ा है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा, और आप उसको एमएमएम बताएंगे तो बिना मतलब जो उल्टी सीधी अपनी। भाई वो एमएम नहीं जानते, वो फुट तो फुट जानते हैं, फुट बताओ उनको एमएम नहीं, या फिर तो आप बताओ, या फिर तो उनको कोई सैंपल दे दो भैया ये एमएम होता है, एमएम नहीं जानते हैं किसान। पुलिस में सैंपल लग दो ये रिजेक्ट वाला है और ये पास वाला। भाई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, मैंने अभी आपसे पूछा ये कितने एमएम का है, आपने नहीं बता पाया है, तो किसान क्या बता पाएंगे बेचारे। आप समझिए बात को, और आप यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा यंत्र रखो जिससे किसानों को बता दो कि भाई यार ये सेम का होता है, ये भी रिजेक्ट है, तो किसान का भरपूर आदमी तो कम से कम कोई आलू पास बात नहीं होगा। तो आपने चपटे के लिए फेल कर दिया, 100:1 100 किलो आलू में से 1 किलो निकलेगा। अब उसके लिए कम से कम नहीं तो मेरे अंदाज से 500 रुपए की लेबर लगेगी, तब 1 क्विंटल में से 1 किलो आलू चल जाएगा। तो बोनी होनी हो जाएगी नहीं या नहीं ये बताते जाओ। तो भैया बोनी होनी 5 दिन से नहीं हुई है, 5 दिन से आलू नहीं आ रहा हमें तो ये लग रहा है, सिर्फ एक भी किसान ऐसा नहीं हुआ जबकि मंडी में जाम। हाँ मंडी में बहुत आमदनी आज थी, 200 मोटर की करीब आमदनी आज हुई थी। देखो अभी फिलहाल में क्या हुआ था, आज मंडी में कम से कम 200 मोटर का आमदनी हो गया था, और मंडी के कई किसान भाई यहाँ पे क्रय केंद्र पर भी आए, उन्होंने जानकारी ली, केवल जानकारी ली और आराम से पूछा, और जैसे आए थे इधर से आए, इस पैर से उस पैर से निकल गए, क्योंकि हमें नहीं लगता है जो हमारे प्यारे प्यारे किसान भाई हैं जो मेहनत करते हैं वो इनके नियम रूल्स को फॉलो कर पाएंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने कड़े नियम रूल्स हैं। और अभी फरखाबाद सहतनपुर मंडी के जो इधर फरखाबाद के किसान यूनियन के लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, ये केंद्र जो था पहले एमडी कोल्ड स्टोर में था, और अभी उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि भैया ये केंद्र जो है किसान मंडी में आते हैं, हालांकि मतलब कोल्ड में नहीं मतलब जाते हैं, तो आलू की खरीदारी मंडी में ही की जाए, तो इस क्रय केंद्र को मंडी में कर दिया गया है। और अभी भैया है इनका काम ये है कि जानकारी दे देते हैं सबको और बता देते हैं भैया जो नियम है बोर्ड में लिखा है, बस आओ समझो, अगर लिया पाओ तो लियाओ, वरना कोई बात नहीं है, जिस तरीके से जो हो रहा था वो करो।